जी नमस्कार दोस्तों, क्या नाम है, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जिनकी लैब अटेंडेंट की ज्वाइनिंग होगी, जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा, उनको पहले महीने काट पीट कर कितनी सैलरी उनके हाथ में आएगी, पहले महीने में उनको आवास मिलेगा कि एचआरए मिलेगा, पेंशन कैसे मिलेगी, TA DA फूड मेडिकल, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि लैब अटेंडेंट EMRS के किसी भी स्टेट में कहीं पे, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है, आपकी ज्वाइनिंग पूरे देश में कहीं पे भी की जा सकती है। जैसी आपकी मेरिट होगी उस हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होगी। फिलहाल हम बात करते हैं कि LA की यानी लैब अटेंडेंट EMRS की सैलरी की बात करें तो जो नोटिफिकेशन में जो सैलरी दी गई हो उसमें बताया गया कि मिनिमम सैलरी आपकी रहेगी 18,000 रुपये, और अधिकतम जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा, आप काम करते जाएंगे, आपको प्रमोशन मिलता जाएगा, उसी के हिसाब से इंक्रीमेंट के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो अधिकतम सैलरी आपकी 56,900 रुपये होगी। तो शुरुआत भाई साहब, अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो पहले मंथ की जो ज्वाइनिंग के समय कितना होगा, 18,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। अरे नहीं, घबराइए नहीं, इसमें आप ऐड करिए महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता मतलब DA DNS अलाउंस जिसको कहते हैं, महंगाई भत्ता कहते हैं। आज के समय में ये 46% है आपके बेसिक पे का, 46% आपको महंगाई भत्ता भी मिलता। तो 18,000 रुपये आपका हो गया मिनिमम सैलरी, जो आपकी पहले महीने की सैलरी होगी 18,000, प्लस 18,000 का आप 46% निकालेंगे तो आपका लगभग ये आ जाएगा 8,280 रुपये टोटल। अगर आप इसका करेंगे आपका ग्रॉस सैलरी पूरे मंथ का हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी आपकी हो जाएगी 26,280 रुपये। कितनी हो जाएगी, 26,280 रुपये। अब ये जो 26,280 रुपये हैं, इसमें से आपका NPS कटेगा। NPS मतलब न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपकी कटौती होगी उसमें, जो आपको बाद में मिलेगा, क्योंकि पुराना वाला जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था वो तो ख़त्म हो चुका, उसकी जगह पे न्यू पेंशन स्कीम चल रही है। इसमें लगभग आपकी 10% की कटौती होगी, 10% की कटौती आपके NPS खाते में, इससे जो है कट के आपके NPS खाते में चला जाएगा। तो इसका 10% लगभग आपका कितना कट जाएगा, 2628 रुपये। ये कहीं जा नहीं रहा, ये पेंशन के रूप में आपका जो है कट के जो जमा होगा, बाद में जब आप रिटायर होंगे तो सारा पैसा आपको जो है सूद ब्याज सहित इसमें मिल जाएगा, जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो 2628 रुपये आपके कटेंगे, इतनी ही अमाउंट लगभग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके खाते में, आपके NPS खाते में डालेगी। तो 2600 आप डालेंगे, 2628 रुपये गवर्नमेंट डालेगी। तो ये सारा आपका जो है समझिए वो सेविंग होती जाएगी। इस प्रकार से आपको जो नेट मिलेगा पहले महीने की ज्वाइनिंग जब आप करेंगे तो लगभग 23,652 रुपये बैठ रहे हैं, 23,652 रुपये आपकी पहले महीने की सैलरी होगी। अब इसमें से ये जो 652 है ना, इसको भी हटा दीजिए, जो इंश्योरेंस और बाकी इधर उधर की चीज़ों में कुछ कटौतियां होती हैं तो वो भी कटेगी, तो उसको आप हटा दीजिए। तो मान के चलिए कि आपके पास जो आएगा वो 23,000 के लमसम जो है आपको पहले महीने जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको लगभग मिलेंगे, कितने, 23,000 के बाद। तो 23,000 आपकी सैलरी होगी पहले महीने की, कम है लेकिन ठीक है, 23,000 आपकी जो है सैलरी मिल गई। अब और बात करते हैं कि और क्या क्या EMRS वाले आपको देंगे। पहली चीज़ है आवास की, क्योंकि हम सभी जानते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आवासीय विद्यालय, मतलब हॉस्टल भी बने हुए हैं, क्वार्टर भी बने हुए हैं, स्टाफ के लिए रहने के लिए बना हुआ, टीचर जितने भी लोग हैं सबके लिए रहने की वहाँ पे व्यवस्था है। तो आपको आवास की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं बाहर किराए पे नहीं रहना पड़ेगा, आपको आवास मिलेगा, EMRS वाले आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि वहाँ क्वार्टर बने हुए तो उसमें आपको आवास मिल जाएगा, उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब आवास मिल जाएगा तो आपको HRA नहीं मिलेगा, HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपको सरकार की तरफ से आवास नहीं दिया जा रहा है, EMRS वाले अगर आवास देने में असफल हो जाते, उनके पास आवास नहीं होगा, तब आपको HRA मिलता है। HRA का जो प्रक्रिया है कि कितना मिलेगा, तो HRA का अलग अलग रेट है, जैसी सिटी होती है उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है। आप जब पहली बार आपकी ज्वाइनिंग होगी तो एक बार सीधे अकाउंट सेक्शन में चले जाइएगा, अकाउंट सेक्शन बना होता है ऑफिस में कहीं पे, अकाउंट सेक्शन होगा जो आपकी सैलरी वैलरी बनाते हैं, अकाउंटेंट वहाँ पे होते हैं, आपके साथ ही अकाउंटेंट की भी वैकेंसी EMRS वालों ने निकाल रखी है, तो आपके ही बैच के होंगे, जाके उनसे मिल लीजिएगा, पूरी चीज़ आपको पता चल जाएगी कि कैसे कैसे सैलरी मिल रहा है। तो आप वहाँ से पहले महीने की आप सैलरी स्लिप ले लीजिएगा, सैलरी स्लिप,
ठीक है ना, सैलरी स्लिप जब उनसे ले लेंगे अकाउंटेंट से, तो उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, कहाँ पे कितना रुपया कट रहा है, क्या चीज़ जा रही है, वो सारा चीज़ उस सैलरी स्लिप पे आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितने रुपए आपको मिले, कितना ग्रॉस हुआ, कितना कटा, कितना इंश्योरेंस में गया, कितना एनपीएस में गया और आपको कितने मिल रहे हैं, तो सैलरी स्लिप से आपको मिल जाएगा। एचआरए आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आवास आपको देंगे ही देंगे ये लोग, तो एचआरए आपको नहीं मिलेगा। एचआरए का वैसे अलग अलग रेट है, जो आपका बेसिक पे है ना 18,000 रुपये, जो 18,000 हो उसका, उसके हिसाब से आपका कुछ परसेंटेज है, जैसे 8% कुछ सिटीज में 8% मिलते हैं, कुछ जगह 16% मिलती है और कुछ जगह अधिकतम 24% मिलती है। इस हिसाब से अलग अलग सिटीज़ के लिए, जैसी महंगी सिटी है कि सस्ती सिटी है, उसके हिसाब से रेंट, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको आवास ही मिलेगा, जाहिर सी बात बनी हुई है तो आपको वो मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है टीए की, ये मतलब यात्रा भत्ता या कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट भत्ता आप इसको कह सकते हैं, या यात्रा भत्ता कह सकते हैं। टीए वैसे कुछ मिलता नहीं है, कोई गाड़ी नहीं मिलती है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं सरकारी काम के लिए कहीं बाहर भेजा जाता है, सरकारी काम के लिए, पर्सनल या प्राइवेट काम के लिए भेजने पर कुछ नहीं मिलेगा, अगर सरकारी काम से कहीं पर आपको भेजा जा रहा है तो ये टीए मिलता है। सेकेंड क्लास एसी की व्यवस्था होती है, तो वो देख जाके एक बार अकाउंट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्या इसकी प्रक्रिया कैसे है और कितना परसेंट कैसे मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी। तो टीए हो गया, उसके बाद आपका बच रहा था कि क्या टैक्स इस पे कुछ लगेगा कि नहीं। अगर आप इसकी पूरे आपकी साल भर की ग्रॉस आप कर लीजिए, ग्रॉस एनुअल सैलरी की कैलकुलेशन करें, इनकम टैक्स से किसी को छूट थोड़ी ना मिली है। आपकी सैलरी अगर इनकम टैक्स के रेट पे आ जाएगी तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो है इनकम टैक्स के रेट पे नहीं आ रही है। अगर आप टोटल ग्रॉस एनुअल सैलरी आपकी देखेंगे तो लगभग 315,360 रुपये बैठ रहे हैं। ये आपकी ग्रॉस एनुअल सैलरी यानी पूरे साल भर को आपको लगभग 315,360 रुपये मिलेंगे। इस पर अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स कुछ नहीं लगेगा, तो आपको इनकम टैक्स के लिए डरने की ज़रूरत नहीं कि कोई पैसा आपको इनकम टैक्स में कटेगा, तो कुछ नहीं, 3 लाख वैसे ही इतना कम है, इसमें कटेगा क्या, तो कोई इसमें कटौती नहीं होगी, कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना होगा। तो 315,000 जो है वो आपको जो है किसी ना किसी रूप में आपको मिलेगा, या तो आपको हाथ में मिल जाएगा या एनपीएस अकाउंट में जितना कटेगा वो चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी ईएमआरएस के साथ ये फ़ायदा है कि क्योंकि आवासीय विद्यालय, तो उसके साथ आपको स्पोर्ट्स के लिए आपको अच्छे अच्छे ग्राउंड्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई स्पोर्ट एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वो आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी, छोटी मोटी दवाइयों के लिए डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं, हर ईएमआरएस में है, तो वहाँ पे आपको जो है इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं मिलेगी, आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, आपको दवा मिल जाएगी, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी अगर आप लोग जो है कहीं बाहर पे आपको भर्ती होना पड़ता तो उसके लिए भी सुविधा होती है कि बाद में आपका पैसा, अगर आपका हेल्थ कार्ड बना होगा तो उसके हिसाब से आपको पैसा वापस कर दिया जाता, जो भी आपका खर्चा आता वो मिल जाता है। तीसरा है आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, क्योंकि स्कूल है तो लाइब्रेरी बने होंगे। अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो हर लाइब्रेरी सेक्शन में जो है वहाँ पे स्टाफ के लिए भी लाइब्रेरी सेक्शन बना होता, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको आगे की तैयारी करनी है, किसी और चीज़ की तैयारी करनी है, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है, तो वो आपके लिए जो है बेनिफिट इससे मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी फूड की बात कर लेते हैं। मेस, क्योंकि मेस चलते हैं, हॉस्टल बने हुए तो हॉस्टल में मेस चलता है, तो स्टाफ के लिए भी मेस चलता है। तो खाने के लिए आपको या खुद बनाने के लिए जो है परेशान नहीं होना, अगर आप चाहते हैं बनाना तो ऐसी कोई रोक नहीं, आप बना सकते हैं, लेकिन मेस चल रहा है तो आपको कहीं से बाहर से टिफ़िन या खुद बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है। जो भी डाइट वहाँ पर बनता होगा, पर जिससे जैसा आपका भोजन रहेगा उसी के हिसाब से डाइट बनता, तो जो भी डाइट लगता होगा उसका पैसा खर्चा करके आप अपना मेस में आसानी से खाना खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं जो लाइव अटेंडेंट को ईएमआरएस की तरफ से दी जाएंगी। सैलरी की बात रही, मेडिकल, फूड, सारी चीज़ों की बात चर्चा हो चुकी है। अगर कोई चीज़ छूट रहा होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो हम उसको जो है आपको जो ज़रूर रिप्लाई करेंगे।